दोस्तों कल की मूवी के ऊपर जो है वो संजय दत्त का काफी शानदार बयान आया है। और यहाँ पर संजय दत्त ने बोला है कि जिस लेवल का माइंड सेट जो कि नाग अश्विन का है और प्रभास अन्ना की जो एक्टिंग है और जितने दिग्गज कलाकार इस मूवी के अंदर है, तो भाई साहब ये जो मूवी है कल की वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स की सुनामी ले आ जाएगी। और जो यहाँ पर कलेक्शन दिखाएगी वैसी कलेक्शन आज तक नहीं देखने को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 2500 करोड़ से भी ज्यादा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रेडिक्शन की जा रही है यहाँ पर बहुत ही बड़े एक्टर और डायरेक्टर और भाई साहब फिल्म क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, कल की मूवी जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल हाइप के ऊपर है अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ पर अगर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ना तो कल की का कोई ट्रेलर आया है, ना तो जो है कोई टीजर, ना ही जो है कोई इतनी खास अपडेट और जो कि यहाँ पर पोस्टर देखने को मिले हैं कल की के अभी तक। सिर्फ ये पोस्टर आया हुआ है कि भाई कल की जो कि 9 मई को रिलीज होगी और उसकी जो हाइप है वो भाई साहब एक अमेजिंग हाइप देखने को मिल रही है। हाइप जो कि पूरी प्रभास अन्ना को जो है वो क्रेडिट जाता है, प्रभास अन्ना की वजह से जो कि इतनी ज़्यादा हाइप। जैसे कि यहां पर सलार के अंदर प्रभास अन्ना ने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाई थी, बहुत बड़ी तबाही की थी, उसी लेवल की जो कि तबाही हमको जो है वो कल्कि के अंदर करते हुए देखने को मिलेंगे। जी हां फ्रेंड्स, कल्कि 2898 AD की जो हाइप है वो काफी ज्यादा है। उसके अलावा यहां पर जो कि ये मूवी हॉलीवुड को टक्कर देती हुई देखने को मिल जाएगी। जी हां फ्रेंड्स, 9 मई को फाइनलाइज होता हुआ देखने को मिला है कि मूवी रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी। पोस्ट प्रोडक्शन काम है वो भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है और यहां पर जो है वो मूवी भाई साहब एक न्यू मार्क जो है वो यहां पर टच करती हुई देखने को मिलेगी हॉलीवुड के अंदर। रिकॉर्ड्स की सुनामी आ जाएगी जब यहां पर मूवी रिलीज होगी। मूवी के जब यहां पर ट्रेलर और टीजर आएंगे तब यहां पर जो हाइप है वो यहां पर क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं रियल हाइप। अब उसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो इस मूवी की जो पार्ट है वो यहां पर काफी ज्यादा जो कैमियोज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी अपीयरेंस होने वाली है, जिसके अंदर जो कि यहां पर बोला जा रहा है मृणाल ठक्कर, जूनियर NTR, SS आजामौली और भी जो कई दिग्गज कलाकार होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन सब के अलावा इस मूवी की जो टीम कास्ट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जिसके अंदर जो प्रभास अन्ना के साथ दीपिका पादुकोण है और यहीं पर जो है वो अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे जो कि यहाँ पर भाई साहब दिग्गज कलाकार होंगे। तो भाई कल की जो है वो नेक्स्ट लेवल हाइप के ऊपर है। इस मूवी के अंदर जो है वो भाई साहब एक रियल स्टोरी जो कि यहाँ पर कल की पुराण के अंदर लिखी गई है, कल की जो है वो भाई साहब हमारे श्री विष्णु भगवान के आने वाले अवतार हैं। अब अगर इनके ऊपर मूवी बन रही है तो भाई साहब पूरी इंडिया के अंदर पूरी सपोर्ट मिलने वाली है। और इसके अंदर सुपर हीरोज टाइप की जो मूवीज होती हैं उनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऊपर से प्रभास अन्ना की मूवी है तो यहाँ पर सलार और बाहुबली के बाद जो प्रभास अन्ना की जो हाइप है, प्रभास अन्ना की जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, किस लेवल की जो कि हाइप क्रिएट होती है प्रभास अन्ना की मूवी कल्कि की, ये सब देखना बाकी है। वैसे यहाँ पर दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कल्कि को लेकर ये जो कि आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए। और आप अगर यहाँ पर प्रभास अन्ना के सच्चे फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करिए, जिनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर प्रभास अन्ना की मूवी और प्रभास अन्ना की आने वाली हर एक जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर प्रभास अन्ना की मूवीज के बारे में अपडेट रहना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और भाई साहब इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टाइम वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। की वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों।